You're watching Newstainment Television. So good to see all of you. Thank you. मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या करके मानेंगे आप बॉक्सिंग और पता नहीं क्या क्या. I just saw the last clip. और वो एहसास होता है कि किसी को उसके घर पहुँचाने की कितनी शिद्दत से कोशिश करी जाती है. प्लीज साइलेंस एवरीवन. और मुझे ये भी इस बात का इल्म है कि बहुत जल्द आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किरदार के लिए हाँ नहीं कहते हैं जब तक आपको खुद यकीन ना हो कि हाँ ये कुछ अलग करने का मौका है. अनुपम साहब की क्या वो खास बात थी यू सेड यस मुझे ये करना है. मुझे लगता है हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हम सिनेमा में बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. और वी आर लकी एंड आई एम लकी एज एन एक्टर जिसने 38 साल से जर्नी की है, अलग अलग दौर से गुजरा हूँ, 80s के, 90s के, 2000. नाउ सिनेमा इज ओनली अबाउट कंटेंट. एंड शिव शास्त्री बेलबोआ जब अजयन हमारे डायरेक्टर हमारे पास लेकर आए और हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर वाजपेयी लेकर आए तो मुझे लगा कि ये कहानी तो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए. जिस लोग कहते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ, ये स्पाइस ऑफ लाइफ है मेरे हिसाब से. एक इंसान की कहानी है जो यहाँ से अमेरिका जाता है अपने बेटे के पास जहाँ जुगल नहीं है इस समय, और नीना जी की तबीयत ठीक नहीं है. बट आई थिंक जिस हिसाब से अजयन ने कहानी लिखी है और इसको वीव किया है, ये हर एक इंसान की कहानी है. हमारे सबके अंदर एक मजबूत, एक ताकतवर इंसान है जो हालात की वजह से हम उसको दबा कर रखते हैं. तो बॉक्सिंग लव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस ताकत को, हीरो विद इन जिसे कहते हैं. एंड इट्स अभी तो मैं पहली बार फिल्म देख के निकला हूँ. इट्स ए ब्यूटिफुल फिल्म. मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे तरुण जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहिबा हैं, आशा है, शारिब है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड इसमें हंसाती भी है, रुलाती भी है, प्रेरित भी करती है. लगता है कि मतलब अब इसके बाद कुछ कि ज़िंदगी अच्छी है, दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कहानी है और वही चाहिए. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब मैं अनुपम सर की बात करता हूँ, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो फैंटास्टिक एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री. हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड, नग इज गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग. थैंक्स, यू आर वेरी गुड इन द फिल्म. थैंक यू, थैंक यू सर. शारिब, यू आर वेरी गुड. हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड, एंड यू ऑलवेज देयर इन योर माइंड, यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द वेरी. सो फॉर मी द मिनट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रिप्ट, the first face that came to my mind was Anupam sir. So I was lucky enough that I got a chance to talk to him about the script. So immediately sir liked the script and he said he is willing to do the film. So I know the half of the battle was done because I have this great actor to support me through the process, and sir has been supporting me throughout the entire journey from right from that first meeting on. And Neena ma'am joined the team, and after when once I had these two amazing, the most finest actors of India, I knew that I had a very easy journey. And then came all the great people like Shareef, Nargis, Jugal. So I was just plain lucky to make this happen, and I'm glad that it happened. And we have very good producer. Kush Kishore is a very fine producer. For this kind of a film, you need a producer who has who is supporting. He is not from the field. Ashutosh ji is from this field, Anita ji is from this field, but Kishore, who is put in, Asha is Kishore's wife, who is put in, and then people like Tarun ji joined this. So it's a collaborative effort, and that's what makes it. Aur phir film mein aise bhi nahi the ki ye dictator nahi the, ye jo inko chahiye wo chahiye, par ye Casper ne bada acha kaam kiya, jo hamare chhota sa kutta hai wo usne bahut acha kaam kiya. Yes, you were asking something too. पहले आपसे पूछ लेता हूँ सर, 2022 की मैं बात करूँ, काफ़ी अनोखा साल गया है आपकी आपके लिए, बैक टू बैक इतनी सारी फिल्मों आपने दिए, एंड 2023 में शुरुआत में ये फिल्म आ रही है आपकी, किस तरह से देख रहे हो 2023 को एज एन एक्टर, एंड व्हाट इज द रोल दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर इन 2023? आई थिंक मैं इतने सालों से काम करता आया हूँ और मुझे तो हमेशा लगा कि मैं बड़ा हैपनिंग एक्टर था, चाहे वो नहीं मतलब तब भी नहीं, अब तो खैर मैं हूँ ही. बट आई थिंक वी रिमेंबर सिनेमा, वी रिमेंबर फिल्म, वी रिमेंबर स्टोरीज, वी डोंट नेसेसरली रिमेंबर कलेक्शंस. दिस फिल्म विल बी रिमेंबर्ड फॉर इट्स स्टोरी,
हो सकता है कि 2022 जो था वो मेरी फिल्में सुपर हिट हुई, हो सकता है ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए, आपके माध्यम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमें ऑडियंस को थिएटर में लाना है। एक बार वो थिएटर में आ जाए फिर हमें पूरा यकीन है कि उनको ये फिल्म पसंद आएगी ही आएगी। तो इसलिए आपके साथ की बहुत सख्त ज़रूरत है दोस्तों, एंड वी हैव beauty and with great, he she has performed so well, Sharib is so good, Jugal is so good, Jugal will be coming in the movies after a long time, so everybody is so good and audience aajkal sab kuch pasand karti hai. Nargis, what would you like to say, you are coming back to film, people were waiting, she's coming back to India, she's been, she's been working in India and film, people were waiting to see you in the big screen. Yeah, I'm super excited that I know everyone was very excited and waiting for me, so now they get to see me, which I'm very happy to be a part of this film, so thank you for having me. I loved my part and I loved working with this team. They've been really amazing. अनुपम जी आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी डिफरेंट पोस्टर्स मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा और माना जा रहा है कि फिल्म में आपने टैटू भी बनाया है अपने दोस्तों के लिए, अगर कितनी सच्चाई है इस कहानी? मैंने बनाया था फिर उतारने में बहुत टाइम लगा मैंने जिंदगी में कभी टैटू नहीं लगाया था ये काफ़ी टाइम लगा, एक महीना लगा उसको उतारने में। और मेरी माँ को फिल्म बहुत पसंद आई है, वो जब चुप हो जाती है तो उसका मतलब उनको अच्छी लगी है, जब वो चुप हो जाती है उसका मतलब उनको नज़र नहीं लगनी चाहिए मुझे क्योंकि अच्छा काम किया है। बट आई थिंक और ऑल्सो मैंने आज फिल्म देखी पहली बार तो मुझे लगा कि बहुत रियल फिल्म है, फैमिली जैसी है, जैसी होती है, जैसे बच्चे बात करते हैं वो वैसा ही उनका रिएक्शन है। आप मेरे बाद इन जिन्होंने आज फिल्म देखी है उनके रिएक्शन ज़रूर लीजिए, उसका हमें फ़र्क पड़ेगा उससे। तो बस एक ही बात है भैया, फिल्म देखने आ जाओ बाकी हम संभाल लेंगे। शारिब, व्हाट्स योर टेक, मतलब आप भी मतलब कभी हैदराबादी हैं और कभी कहाँ हैं, कभी कहीं भी पहुंच जाते हैं, इस किरदार को लेके क्या ब्रीफ था योर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद समबडी लाइक अनुपम खेर साहब? मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, राइट फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट टिल टुडे इतना खूबसूरत रहा है कि मैं क्या बताऊं। मैं अभी जब हमने पोस्टर डाला था ट्विटर पे तो किसी ने ट्वीट किया था कि अनुपम खेर इज ट्रेंडिंग सिंस 4 आवर्स, तो मैं उस बोलने वाला था, पता नहीं कुछ 4-5 चीजें आ गई थी कि अनुपम खेर इज बीन ट्रेंडिंग सिंस 4 डेकेड्स। उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला है तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, और इतनी अच्छी टीम, अजय ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, मेरा किरदार एंड ही प्लेज अ पंजाबी, मतलब दैट्स सो वेल डन। हमारे जितने भी बाइकर्स थे, सॉरी यू वांटेड टू से, हमारे जितने बाइकर्स हैं वो रेगुलर बाइकर्स हैं, वो मतलब रियल बाइकर्स क्लब के, तो उनसे एक्टिंग करवाई है, उनसे बहुत ज्यादा एक्टिंग उन्होंने की है, एंड टू शूट एट रियल लोकेशंस। एट द एंड ऑफ इट इज ऑल्सो अबाउट लोनलीनेस ऑफ पीपल, नॉट नेसेसरली हमारे हिंदुस्तानी जो बाहर जाते हैं वो कैसे कितना मिस करते हैं हिंदुस्तान को। ये अभी आशुतोष जी अमेरिका से आए, अब इनको मैं कह रहा हूँ कि वापस जाइए ही मत, ये 1.5 महीने से यहाँ आए। एंड थैंक यू तरुण जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस, बिकॉज काफ़ी लोग जुड़े हैं एंड बस और क्या अभी क्या बोलूं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने अभी बातों में कहा कि वो एक सारा फेस देखा नहीं, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक, एक दौर हमने ऐसा भी देखा था कि अमिताभ बच्चन आपके फिल्म में और आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर, वो दौर हुआ है, प्रकाश मेहरा साहब का दौर हुआ है। क्या आप मानते हैं कि जैसे आपने कहा कि अब कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिस तरह के माध्यम आ गए हैं, यू नो OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अब फिलहाल जिस तरह का सिनेमा या फिल्म मेकिंग हो रही है उस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है सर? नहीं, मुझे लगता है कि आज एक आम इंसान के पास मनोरंजन के बहुत साधन हैं, मॉल चले जा सकते हैं, मल्टीप्लेक्सेस जा सकते हैं, मोबाइल है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो व्हेन यू आर मेकिंग ए फिल्म फॉर पीपल टू गेट फ्रॉम देयर हाउसेस टू स्पेंड मनी फॉर 4 पीपल बाय पॉपकॉर्न, इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, तो यू हैव टू मेक समथिंग विच दे विल रियली गेट इंटरेस्टेड टू। तो इस फिल्म को एक दो लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में है, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये अंग्रेजी में नहीं है, दूसरी बात इसके OTT राइट्स अभी बिके नहीं है, तो कब बिकेंगे पता नहीं है, मगर इसको थिएटर में ही देखना है। बट हम बड़े अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिनेमा पहले अच्छा नहीं होता था। हीरो इज द स्क्रिप्ट, हाउ बिग द हीरो इज, इफ द स्क्रिप्ट इज नॉट योर हीरो नथिंग कैन वर्क।
इट वॉज ऑलवेज देयर बट इन टूडे द ऑडियंस इज सो एजुकेटेड, पहले 5 मिनट में समझ जाते हैं पिक्चर देखनी की नहीं देखनी. That's all. Thank you so much. What message do you want to give to the audience while they come and be a part of this? एक तो मेरे मसल्स देख लीजिए. नहीं नहीं, मसल के रखेंगे. नहीं, I think you know there was जब मैं मेरे पोस्टर लगते थे 84 में जब मैंने सारांश की थी तो 84 से लेकर 2020 तक मैं फोटो पोस्टर के कॉर्नर में होता था. अब वहाँ से पिछले 2 साल से मैं फोटो के सेंटर में हूँ. ये इस जर्नी को देखने के लिए दे शुड वॉच दिस फिल्म. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. Yes, our film is releasing on 10th of February, Shiv Shastri Balboa. Please watch it only in theatres. It is only in theatres. Yes, amazing. She should request. Yes, please, everybody, come watch us on February 10th. Yes, thank you. Thank you. Thank you.